संगम नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना के नीचे बहने वाली तीसरी प्राचीन नदी के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है लुप्त सरस्वती नदी माँ गंगा नदी के नीचे 45 किलोमीटर तक अदृश्य नदी फैली हुई है। तीर्थराज प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। उसका कारण यह है कि यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं और इसी जगह पर देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माघ मेला भी लगता है। यहीं पर माँ गंगा माँ यमुना माँ सरस्वती की अद्भुत संगम है। वहीं सरस्वती नदी अरसों से विलुप्त है, जिसको खोजने के लिए वैज्ञानिकों की टीम कई सालों से रिसर्च कर रही है। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगा यमुना के बीच 250 मीटर नीचे सरस्वती नदी का अस्तित्व मिला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सरस्वती नदी 45 किलोमीटर तक फैली है। वैज्ञानिकों ने 2018 में प्रयागराज से कौशाम्बी तक सरस्वती की खोज शुरू की थी, जिसका प्रमाण अब सामने आने लगे हैं। सरस्वती नदी के अवशेष मिलने से साधु संतों और श्रद्धालुओं में काफ़ी खुशी है। इस कड़ी में संगम के बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलबीर गिरी का कहना है, श्रद्धालुओं ने हमेशा सरस्वती नदी के बारे में सुना था, लेकिन अब वो सच साबित हो रहा है, जो आस्था को और मजबूत करता है। अच्छी बात है और इस बात पे विश्वास करना भी चाहिए और विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि हम अनादिकाल से मानते आए हैं कि यहाँ पर माँ भगवती गंगा यमुना और माँ सरस्वती विराजमान है। ये हम मानते हैं, अक्षयवट के अंदर हम देखते हैं किले में यहाँ सरस्वती कूप भी है, तो कहीं ना कहीं यहीं से माता जी का कूप का अर्थ हुआ कि कुंड है। इसी कुंड से माता जी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो विराजमान होती है, जहाँ त्रिवेणी में मिलती है, जिसे हम प्रयाग कहते हैं। प्रयाग अर्थ हुआ जहाँ पर नदियों का संगम होता है, ये प्रयाग कहा जाता है, और इसलिए इस स्थान का नाम प्रयाग रखा गया कि तीनों नदियों का संगम होता है ये। और माँ सरस्वती तो अनादिकाल से चली आ रही, जिस तरह से गंगा माता का अस्तित्व है, यमुना जी का अस्तित्व है, ऐसा ही सरस्वती माता का भी अस्तित्व है, क्योंकि सरस्वती माता तो विराजमान है ही है, तो इसी कारण से तो ये प्रयाग भी है। तो सरस्वती माता का तो है, और ये पुरातत्व जो आप बोल रहे हैं, रिसर्च जो हुई है, अगर ये इसमें सच्चाई है ही, क्योंकि ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन इससे जिनके मन में भ्रांतियाँ थी कई प्रकार की, वो भ्रांतियाँ कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है इस रिसर्च के बाद। अच्छा महाराज, ये जो रिसर्च हुआ है, जिस चीज़ सामने आई है, तो कितनी सुखद अनुभूति है ये? बहुत सुखद अनुभूति है, क्योंकि कोई भी जो स्नान करता है तो पहले मन में कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ये भ्रांति रहती अवश्य होगी कि गंगा यमुना में हम स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये साइंटिफिक सामने आने से एक तरह का जो मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजी इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं दूर हो चुका है मनुष्यों के मन से, तो ये बहुत श्रेष्ठ कर बात है। महाराज, पुराणों में जो तीनों नदियों को संगम बताया गया है, किस बिहाव पर बताया गया और कितना इसको आस्था की नज़र से किस तरह से देखते हैं? देखिए, आस्था की नज़र से हम तो माता नदी को, हमारे यहाँ माता कहा जाता है, हम माओं का जो अपनी माताओं के गोदों में जाते, माताओं का दुलार पाते हैं, तो वो आशीर्वाद अपने आप में अपूर्णीय, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पनाओं से परे हैं ये, लेकिन ये श्रेष्ठकर हो चुका है। जिनके मनुष्यों के हृदय में या किसी न किसी तरह की भ्रांति थी, वो दूर हो चुकी है इससे। वैज्ञानिकों का दावा है कि तीन प्राचीन और पवित्र नदियों गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। वैज्ञानिकों को संगम के नीचे पुरानी नदी मिली है। गंगा और यमुना के बीच में 250 मीटर नीचे सदियों पुरानी एक नदी की धारा मिली है। नदी की धारा प्रयागराज से कौशाम्बी तक 45 किलोमीटर में है। इस नदी के मिलने से सरस्वती के अस्तित्व को बल मिला है। सरस्वती नदी के अवशेष मिलने पर श्रद्धालुओं में काफ़ी खुशी है। पंडित उदय तिवारी का कहना है कि बुजुर्गों से सुना था सरस्वती नदी यहाँ पर है। आज से तो हम बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं, कम से कम ये तो दुनिया को पता चला कि सरस्वती नदी जो है वो आज भी यहाँ पे प्रयागराज में विराजमान हैं। ये त्रिवेणी नाम से जाना जाता था, तीन नदियों का जो संगम हुआ, समागम हुआ, उसी को त्रिवेणी कहा गया। गंगा यमुना और सरस्वती यही संगम हुआ है, ये पुराणों में लिखी बात मानी जाती है, लिखा हुआ है कि नहीं, तीनों नदियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। उधर से गंगा जी आ रही, एक तरफ से जमुना जी आ रही, सरस्वती जी बीच से, क्योंकि वो विलुप्त थी, तो इस बात में लोगों को भ्रांतियाँ थी कि क्या ये सत्य है, क्या असत्य है, या सरस्वती यहाँ है या नहीं है, ये लोगों के अंदर धारणा बनी हुई थी।
लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, यहाँ पे सरस्वती जी हैं, यहाँ है नहीं बल्कि 45 किलोमीटर एरिया में इनका फैलाव भी है। यहाँ से जो आपका माघ मेला क्षेत्र है, इससे 45 किलोमीटर एरिया में इसका फैलाव है सरस्वती जी का, और वो नीचे पाई गई है, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। इससे प्रयागराज वालों के लिए आस्था में कितना, इससे प्रयागराज नहीं समस्त हिंदू जनमानस इससे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, सबके लिए बहुत एक ये खुशी की बात है, सौहार्द की बात है कि देखिए हमारी आज भी जो सन्यासियों ने महात्माओं ने जो कहा है वो सारी बातें सत्य पाई गई हैं, क्योंकि ऐसे पुराणों में तो लिखा हुआ है, कहा गया कि नहीं सरस्वती यहाँ हैं, लेकिन कोई मानता नहीं, तो बहुत कम लोग थे ऐसे जो मानने वाले थे, जो एकदम आस्था में थे वही मानते थे, कुछ लोग इसको नहीं मानते थे, लेकिन आज वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया कि नहीं यहाँ पे सरस्वती जी विराजमान हैं, तो इससे सिद्ध हो गया कि नहीं जो बात पहले कही गई है शास्त्रों में वो आज सत्य हुई। संगम तक पे आप स्नान करने के क्या कुछ मिलेगा? देखिए इसका तो बहुत बड़ा फल है, ये संगम स्नान का बहुत बड़ा फल है, और ये पूरे पृथ्वी पे माघ मेला जो लगता है, पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा माघ मेला हमारे यहाँ प्रयागराज में लगता है। अब तो तीनों नदियों का क्लियर हो गया कि हाँ जी जी, तीनों नदियों का यहाँ पे सगामक समागम हुआ है, ये क्लियर हो चुका है, और इसमें अब किसी को कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो सत्य था ही, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया कि नहीं यहाँ पे सरस्वती, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं।